27 ही स्टूडेंट है, बीच में आएंगे, बीच में डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। अब बीच में आ रहे हैं, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। सारे बच्चे क्लास में स्टार्ट, 20-30 मिनट का लंच है, उसके बाद भी आप इतना टाइम लगाते हो क्लास में आने में। देखिए बच्चों, मैंने आपको व्यंजन संधि का नियम बताया था। गरिमा त्यागी मयंक कुमार। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं या बार बार मैं आपको एक्सेप्ट करूं, आप बताइए। जब मैंने आपको टाइम दे दिया, मीटिंग का टाइम है 20, तो आप 20 पे आ जाए करिए, मैं आपको फिर एडमिट नहीं करूं अगर आप लेट आए तो। मैंने बताया यदि ता के बाद ला आता है, व्यंजन संधि में यदि ता के बाद आपका ला आता है तो ता का ला हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था, तत् प्लस लीन आपका हो गया तल्लीन। कैसे हो गया तल्लीन? ये ता है, ये व्यंजन संधि है, ता के बाद आपका ये ला आ रहा है तो ता का भी ला हो जाता है। हलंत का मतलब होता है आधा, यहाँ पे ता पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है हाफ। इस हलंत का मतलब आपका हाफ होता है। तपस्या आदर्श, बार बार मैं आपको मैं एडमिट कर रही तल्लीन, तत् प्लस लीन तल्लीन। ओनिक गुप्ता, लेट हो आप, जल्दी आया करो बेटा। ये ता के बाद हमारा ला आ रहा है, व्यंजन संधि का हमारा नियम है यदि ता के बाद आपका ला आए तो जो ता वर्ण है वो भी हमारा ला में परिवर्तित हो जाएगा। ता पे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है आपका हाफ, हाफ ला आएगा। ता हमारा हाफ है तो हमारा ला भी हमारा आधा आएगा। ये वाला बताया था, दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ इसी का। उत् प्लस उत् लास। अब देखिए, सबसे पहले देखना है कि ता के बाद क्या है। ता के बाद ला है, सेम नियम आएगा जॉइन करने में, तो ता का हमारा ला हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा, और लास का हम लास लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा उल्लास। क्या बन जाएगा? हमारा उल्लास बन जाएगा। ओके, उत प्लस लास उल्लास। आगे देखिए, इसी का ता के बाद जा आने पर ता का जा हो जाता है, ता के बाद ला आने पर तो ला हो जाता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ उत्नति। देखिए उत् प्लस नति, देखिए उत् धन नति, एक सेकेंड, ताके बाद सत् धन जन। ओके, ताके बाद यहाँ हमारा आ रहा है जन, ताके बाद क्या आया? जा आया। ताके बाद यदि जा आता है तो ताका जा हो जाता है, तत् प्लस जन, तो ये आधा ता है आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रही हूँ, जो बच्चे आज न्यू आए हैं सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे से पढ़ाऊंगी। सज्जन हो गया, सत् प्लस जन, ता हमारा जा में परिवर्तित हो जाएगा और जन का जन एज इट इज आ जाएगा, सज्जन। ये हमारी संधि हो गई और ये हमारी हो गई व्यंजन संधि। अब इसका आगे वाला नियम हम कराएंगे, थर्ड नियम। ता के बाद यदि टा आए और डा आए, ता के बाद टा और डा आने पर ता का टा और डाई हो जाता है। ये नियम है, देखिए यदि ता के बाद हमारा क्या है, ता के बाद हम कर रहे हैं टा और डा, ये दोनों आ रहा है हमारा, ता के बाद हमारा टा आ रहा है और डा आ रहा है,
तो हमारा ता का क्या हो जाएगा, ता भी हमारा टा, और ये ता हमारा टा और डा में परिवर्तित हो जाएगा अकॉर्डिंग सेंटेंस। कैसे, जैसे मान लो हमारा है धन टीका, ये भी शायद मैंने आपको समझाया था, तो ता के बाद हमारा टा है। व्यंजन संधि में आपको पहले देखना पड़ता है, आपको नियम याद करने पड़ेंगे, यदि ता के बाद तत् प्लस टीका यानी ता के बाद हमारा टा आ रहा है तो हमारा ता भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, टा। ये तत् है, ये ता है, इस हलंत का मतलब होता है आधा ता, तो ता हमारा आधा ता है, हमारा आधा टा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा, देखिए ता आधा टा, हलंत लगा दिया इसका मतलब आधा टा हो गया, ये टी का, तो क्या बन गया, ये हमारा तत् टी का बन गया, क्या बन गया, तत् प्लस टी का तत् टी का बन गया। ओके, अगला देखिए उन्नयन, अगला है उड्डयन, ये तो टा का एग्जाम्पल हो गया आपका, अब हम डा का एग्जाम्पल बताएंगे, उत् प्लस डयन, डयन है। ओके, अब हम देखेंगे ता के बाद हमारा क्या आ रहा है, डा आ रहा है, तो ता के बाद डा आएगा तो डाई हो जाएगा हमारा, जब हम जोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल नियम है इसका, ओ इसका भी हम हाफ डाक देंगे, हलंत लगा देंगे, डा पे हलंत लगा दिया, इसका मतलब हो गया आपका ये आधा डा है। ओके, उड, फिर उड आपका हो गया ये हाफ आ गया, और डयन का डयन आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज, उड्डयन क्या हो जाएगा आपका, उड्डयन। ओके बच्चों, क्लियर हुआ, यदि व्यंजन संधि में ता के बाद हमारा टा आए या डाए तो वही सेम शब्द हो जाता है, यदि ता के बाद जाए तो जा हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का नियम है। अगला नियम है इसका, फोर्थ नियम इसके हो गए, थर्ड नियम, अब फोर्थ नियम देखिए इसका, ता के बाद शा आने पर, इसी पे थे हम, पर ता के बाद यदि हमारा शा आता है, इसे रब कर देंगे हम। नेक्स्ट नियम देखिए इसका, संधि का, यदि ता के बाद शा आए, ये ता है, इसके बाद आता है, इसके बाद शा आ गया, ता के बाद क्या आ गया, शा, शा आने पर जो ता है वो किसमें, ता और शा, ये ता और ये शा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, चच में, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, चच, ता का चा बन जाएगा, शा का छा बन जाएगा, चच में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूं, देखिए सत, हलंत है इस पे धन सात, एक एक एग्जाम्पल मैं सबका बता रही हूँ आपको, दो दो एग्जाम्पल सारा क्लियर कर रही हूँ। सत प्लस शास्त्र, ठीक है, अब देखिए सत प्लस शास्त्र, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ताके बाद हमारा शा आ रहा है शा, ताके बाद हमारा शा आ रहा है, तो देखिए स क्या हो जाएगा हमारा, ताके बाद यदि शा आता है तो ता और शा का चच बन जाएगा, तो हम सा का सा आ गया, आ गया कि नहीं, और चा ता के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, चा, जी चा आ जाएगा, और शाह के स्थान पर आ जाएगा हमारा छा, चच, हो गया चच। और शास्त्र में आ की मात्रा है, आ की मात्रा ये हमारी यहाँ आ गई, सा का शा आ गया, और त्रय का त्रय आ गया, सत छात्र, सत छात्र क्या हो गया, सत शास्त्र। ओके, आगे देखिए उत् प्लस श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास देखिए, उत् धन
श्वास, उत् प्लस श्वास देखिए। अब हम ता के बाद यहाँ शा आ रहा है तो भी हमारा क्या होगा, चा और छाई आएगा। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आधा ता उत, ता और शा, ये ता का हमारा चा बन जाएगा, आधा ता का आधा चा बन गया, शा का छा बन जाएगा, उच्च वास का वास आ जाएगा। यदि शा पे मात्रा होती तो यहाँ मात्रा आ जाती, छा पे मात्रा नहीं है तो मात्रा नहीं आएगी, उच्च वास आ गया, ये हमारी संधि होगी। इसके चार नियम हो गए। अब इसका पांचवा नियम, इसका पांचवा नियम देखेंगे बच्चों। ये रब करती हूँ, इसका पांचवा नियम देखिए। ता के बाद, ता है, ता के बाद चा या छा आने पर, ता के बाद चा या छा आने पर ता का चा या छा हो जाता है। कैसे देखिए, ता के बाद चा या छा आने पर ता का चा या छा होगा, यानी सत प्लस चर। ता के बाद हमारा क्या आ रहा है, चा। पांचवा नियम है ये, लास्ट व्यंजन संधि का एक और नियम है इसके बाद, सत धन चरित्र। एक सेकेंड, सत धन चरित्र, ओके। नियम क्या कह रहा है, हमारा नियम कह रहा है कि यदि ता के बाद चा और छा आने, ता के बाद हमारा क्या आ रहा है, चा, तो क्या हो जाएगा फिर हमारा, चा, ता का चा और छा ही हो जाएगा। ता के बाद यदि चा और छा आता है तो ता का छा ही, चा और छा ही हो जाएगा, सेम होगा। तो सा का सा आ गया, ता का चा आ रहा है तो चा हो जाएगा, सच्चा, ता आधा ता है तो आधा चा हो जाएगा हमारा, और चरित्र का चरित्र आ गया, सच्चरित्र, ओके, चरित्र का चरित्र आ गया। तो क्या हो गया, सच्चरित्र, ठीक है। आगे देखिए अगला नियम, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, ठीक है। अगला है सुभत प्लस छाया, चा के बाद ता के बाद हमारा छा आ रहा है, सुहत धन छाया। अब देखिए सुहत धन छाया, इसमें सु का सु, हा का हा, ता का हमारा क्या हो जाएगा, चा ही हो जाएगा, चा, छाया का छाया, सुहा छाया, क्लियर। अगला नियम है सिक्स्थ नियम, सिक्स्थ नियम देखिए, सिक्स्थ नियम देखिए, ता के बाद हा आने पर, ता के बाद क्या आ रहा है आपका, हा आ रहा है, ता के बाद हा आने पर ता का और हा का दद हो जाता है, क्या हो जाता है, दद। जैसे यदि ता के बाद, सिक्स्थ नियम देखिए अपनी बुक में सभी बच्चे, ता के बाद यदि हा आए, क्या आए, ता के बाद हा आने पर ता और हा का, ता और हा का क्या हो जाएगा, दद हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ता और हा के बाद ता और हा का दध हो जाएगा। कैसे? जैसे पते प्लस हती। अब नियम कह रहा है हमारा ता और हा के बाद ता और हा का दद हो जाएगा, तो ता का और हा का दद हो जाएगा। पाता आएगा, ता का हमारा हो जाएगा दा, ये जो ता है पा का पा गया, ता का हमारा क्या हो जाएगा दा। ता का हमारा हो गया दा, दा पे हमने लगा दिया हलंत। जो बच्चे बार बार में आ रहे हैं, अब मैं किसी को भी एडमिट नहीं करूं, डिस्टर्ब होता है बार बार में। पर धती जो हा है, हा का धा में बदल जाएगा, ता हमारा दा में बदल गया, हा हमारा धा में बदल गया। ओके, या ता है ये हमारा दा में बदल जाएगा, आधे दा में, हा है हमारा धा में बदल जाएगा, और ती का ती एज इट इज आ जाएगा, यानी ता और हा हमारा दद में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप सोचोगे पत और हती, पत और हती है, इसका संधि भी चेक करेंगे तो अगर आपको नहीं आता है तो आप तो कर दोगे पत हती, लेकिन वो गलत है। पत हती जब आपका नियम कह रहा है ता और हा के स्थान पर दा और धा हो जाता है, तो पा पा एज इट इज आ जाएगा, ता के स्थान पर दा हो गया और धा के स्थान हा के स्थान पर आपका धा हो गया, धा आ गया, हो गया आपका पद्धति। ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, सब लोग अपनी बुक में देखिए, नियम पढ़िए और ब्लैक बोर्ड पे देखिए और मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट उत प्लस हरण, एक सेकेंड बच्चों, हरण, ओके, ये आपका एग्जांपल और ये आपकी कौन सी संधि है, ता, आप सीधे समझ, जैसे ता जा धा ये सारे वर्ड आते हैं, ता आता है, जा आता है, शा आता है, वो मोस्टली व्यंजन संधि होती है जिसमें रा, ओके। अब जैसे इसमें ता आ रहा है, ता के बाद हा है, तो हा का आपका धा में परिवर्तित हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ता का हमारा धा में परिवर्तित हो जाए, ता का हमारा धा में परिवर्तित हो जाएगा, ता दा में और हा हमारा धा में, रण का रण आ जाएगा। ये नियम आपको याद करना है, ता का दा बनेगा आपका और हा का धा, ये चेंज और कुछ नहीं होगा, बाकी का एज इट इज आ जाएगा। अब इसका फोर्थ नियम देखिए बुक में, माँ के विशेष नियम, माँ के विशेष नियम देखिए, माँ प्लस व्यंजन, माँ का उस व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण होना, माँ जो है उस व्यंजन वर्ग का कौन सा वर्ण होना, पंचम वर्ण होना। माँ के बाद माँ आने पर माँ में अपरिवर्तित होना, माँ के बाद माँ आने पर माँ का अपरिवर्तित रहना, जैसे परम परंतु, परंतु का होगा परम प्लस तू परंतु, संतोष का होगा सम प्लस तोष, सम्मति का होगा सम प्लस मति, सम्मिलन का होगा सम प्लस मिलन। ओके, ये हो गया आपका, एक बार और इसे ब्लैक बोर्ड पे समझा देती हूँ आपको, थक गया मेरा मुंह। देखिए माँ का विशेष नियम परम, प्लस टू,
जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे माँ का ना हो जाएगा, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। माँ का सबसे पहले देखिए पा वाली लाइन में मा होता है, पा पा बा बा मा, है ना। तो माँ का नाम है परिवर्तित हो जाएगा, परंतु तो होगा नहीं, परंतु तो कोई वर्ड है ही नहीं। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे माँ का नाम है परिवर्तित हो जाएगा, परंतु हो जाएगा, परंतु तो गलत होगा परंतु। ऐसे ही सम्मति देखिए, समधनमति, दोनों को मिलाएंगे तो सम्मति, माँ का भी हाफ मा हो जाएगा सम्मति। अगला है सम प्लस मिलन सम्मिलन। अब विसर्ग संधि देखिए, व्यंजन संधि हो गया, अब आप विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि देखिए, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। विसर्ग संधि रह गई है, विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ या तो स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो, या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि। स्वर या व्यंजन के साथ जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम, विसर्ग संधि। जैसे लिश्य, पहला एग्जाम्पल है आपका विसर्ग का, यदि विसर्ग के बाद चा और छाए तो विसर्ग का शाह हो जाता है, ये विसर्ग के बाद चा और छा आए, ठीक है। तो विसर्ग का क्या, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, शाह बन जाए, क्या बन जाएगा इसका, शाह बन जाएगा। विसर्ग के बाद यदि चा और छाए तो विसर्ग का शाह बन जाएगा। जैसे नेही, नेही के बाद आपका विसर्ग लग रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, प्लस चर। मैंने अभी बताया आपको यदि विसर्ग के बाद चा और छा आए तो विसर्ग का क्या बनेगा, श बनेगा। तो नी धन च क्या हो गया आपका, निश्चय। विसर्ग है, देखिए कैसे करेंगे, पहले नी आ गया, विसर्ग का आपका शाह बन गया, ओके। शाह हमेशा हाफ बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा, कहीं आप पूरा शाह लिख दें पूरा नहीं आएगा, शाह बनेगा, शाह हलंत है, शाह पे यहाँ हलंत है, तो हलंत का मतलब होता है आदसा, ओके। निश हो गया, विसर्ग का हमने शाह लिख दिया, और चा का छा आ गया, या का या आ गया, निश्चय हो गया। अब आपको समझ में आ गया विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद चा और छा आता है तो विसर्ग का शाह हो जाता है, शाह। शाह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये हाफ, विसर्ग लगा हुआ है इसका मतलब हाफ। दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो दू है, दू पे हमारा विसर्ग लगा हुआ है, धन चरित्र, ओके, दुह धन चरित्र। देखिए अब विसर्ग के बाद चाहे तो वही रहेगा हमारा, क्या हो जाएगा, विसर्ग का शाह हो जाएगा, तो दू का दू आ गया, विसर्ग का हमारा शाह आ गया, दुष चरित्र का चरित्र आ गया, हो गया आपका दुष्चरित्र। आगे आपको समझ में किस तरह हम इसकी संधि करेंगे, और पहचान देख लीजिए, जहां विसर्ग है लगा हुआ है विसर्ग संधि है, शाह आ रहा है विसर्ग से शाह बना है विसर्ग संधि है, बिल्कुल पहचान में आ रहा है। अब इसका दूसरा नियम, दूसरा नियम देखें, रब करती हूँ इसे, ये पहला नियम हो गया विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि का दूसरा नियम, दूसरा नियम है बच्चों, यदि विसर्ग के बाद टा और ठाए, विसर्ग के बाद क्या है, टा और ठाए, टा और ठा के आने पर विसर्ग का क्या हो जाता है, शाह हो जाता है, विसर्ग का शाह हो जाएगा। जैसे
हनु हन टंकार टंग आर धनु धन टंकार। अब विसर के बाद टाए, विसर का सा बन जाएगा सा षटकोण भी हाफ, तो हम इसको मिला के लिखेंगे धनुष आ गया हाफ, टंकार का टंकार आ गया, ये हो गया। क्लियर? मान लो नी प्लस ठुर निष्ठुर, इसी तरह नी का शा हो जाएगा, विसर्ग का निष्ठुर हो जाएगा। अब दूसरा नियम, तीसरा नियम, विसर्ग के बाद ता और था आए, एक एक एग्जांपल आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा रही हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, समझ में आना चाहिए। विसर्ग के बाद यदि ता और था आए, ठीक है, तो आपका विसर्ग का होगा सा बन जाए, सा पे हलंत है, हलंत का मतलब आधा सा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल नमः, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, 10 मिनट का टाइम रह गया है बच्चों, 5 मिनट बाद आपको अनम्यूट करूंगी, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। नमः धन ते नमस्ते। अब देखिएगा यहाँ पे विसर्ग का ता है, विसर्ग के बाद ता है, ता और था आता है तो क्या होता है विसर्ग के बाद? अनम्यूट, अभी कोई आया है पार्टिसिपेंट में जाके चेक करना है। अच्छा मैम आई। अब देखिए विसर्ग के बाद आपका ते है, क्या है विसर्ग के बाद ते, तो ता यदि विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद यदि ता है आपका, ये ता है तो हमारा सा हो जाएगा, सा हमारा हलंत लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे नमस्ते। क्या लिखेंगे हम इसको? एक सेकेंड, पेन सही काम नहीं कर रहा है, दोबारा से लिखती हूँ। इसको लिखेंगे हम नमस्ते। ओके, ये हमारा हो गया। नमः धनते नमस्ते, यहाँ पे विसर्ग का सा आ गया, यहाँ पे आपके विसर्ग का सा आ गया, तो ये विसर्ग संधि होगी। अब इसका अगला एग्जाम्पल है, अगला नियम है विसर्ग का ओ होना। विसर्ग आपका ओ कब होता है? जैसे मनहा, यहाँ पे आपका विसर्ग आ गया, धन बल, ये विसर्ग है। अब विसर्ग का ओ कब होता है? मनहा प्लस बल, जब विसर्ग के बाद बा आए तो वो आपका ओ हो जाता है। जैसे मनोबल, मनह प्लस बल का होगा आपका, यहाँ पे विसर्ग का ओ हो गया, बा में ओ की मात्रा जुड़ गई, आपका हो गया मनोबल। ओके, नेक्स्ट है आपका अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल देखिए बया, बया धन वृद्ध, बया धन वृद्ध लिखा हुआ है, इसमें जो बा है आपका ओ हो जाएगा, या के बाद बा आ रहा है तो आपका हो जाएगा बयो वृद्ध, बयो वृद्ध हो जाएगा। ये हो गया। अब लास्ट बचा है आप विसर्ग का रा होना। विसर्ग का रा कैसे होता है? नी को रब करती हूँ, विसर्ग का रा कैसे होता है देखिए, नी, धन, नी पे विसर्ग है, एक
नी पे आपका विसर्ग लगा हुआ है ना, नी प्लस धन, नी प्लस धन, जब हम विसर्ग के बाद धा है तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो निर्धन, धा पे रा चला जाएगा, निर्धन हो जाए, निर्धन। ओके, नी प्लस धन हो गया आपका निर्धन। दोह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दोह प्लस कर्म दुष्कर्म, दोह प्लस विसर्ग का साफ होना, जैसे दू है आपका धन कर्म, दुकर्म तो होता नहीं है, जब हम इसको जोड़ेंगे विसर्ग का हो जाएगा, दुष्कर्म क्या हो गया आपका, दुष्कर्म, दुपरिणाम दुष्परिणाम, दुष्परिणाम होता है, दुपरिणाम नहीं होता, तो शास। अगला लास्ट नियम है आपका बेटा विसर्ग का लो, विसर्ग से पहले स्वर, हस्व स्वर तथा बाद में राहो, यदि विसर्ग से पहले हस्व हो और बाद में राहो तो नी प्लस रस नीरस हो जाएगा, यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए नी लास्ट है ये आपका, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, कल आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। नी प्लस रस नीरस नहीं होता, नीरस होता है नीरस, नी प्लस रज आपका हो गया नीरज। ओके, इसी तरह विसर्ग से पहले आ तथा आ आ तथा बाद में कोई अन्य स्वर होने पर अत प्लस एव अतेव हो जाएगा, मन प्लस इच्छा मनीषा। बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगी 2 मिनट के लिए, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगी। बच्चों आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, आप किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट कर लीजिए, जिसको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है। सबको चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से, सारी संधियां मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक एक, नंदिनी गुप्ता को, पीयूष को मैं अनम्यूट करती हूँ, पीयूष कुशवा, यस मैम, पीयूष कुशवा कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर समझ, संधि समझ में आ गई, आपको किस तरह ज्वाइन करना है, किस तरह करना है, मैंने एक एक नियम आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के बताया है। यस मैम, आज प्रैक्टिस भी कर लूंगा बुक में से। बेटा आपकी आवाज कम आ रही है, प्लीज तेज बोलिए। मैम आज प्रैक्टिस भी कर लूंगा संधि के कुछ। ओके वेरी गुड, सारे बच्चे जो भी पढ़ा रही हूँ साथ के साथ उसको लर्न करते जाइए बेटा, हमारे पास टाइम कम है, साथ के साथ लर्न करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, और किसी को कोई पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है, मैं सबको चेक कर रही हूँ। और इसके क्वेश्चन आंसर एक कुछ मुझे कहना है, बच्चों सुनिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको, सारे बच्चे अपनी बुक लेके बैठिएगा, सारी जो एक्सरसाइज है मैं आपको फिल करवा दूंगी और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कल मैं आपको करवा दूंगी, कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद लैंग्वेज का 5th चैप्टर स्टार्ट करूंगी, उसके बाद लिट का स्टार्ट करूंगी। ओके, उसके बाद फिर संस्कृत। नैना, ओके नैना आपको अनम्यूट कर रही हूँ बेटा। नैना चौधरी आप अनम्यूट हो। यस बेटा, मैम मुझे ये पूछना है, जो सैटरडे को असाइनमेंट दी है तो उस दिन आपको हमें क्या असाइनमेंट के रूप में देंगे, टेस्ट होगा या फिर वर्क चेक होगा?
एक मिनट बेटा, अभी इस सैटरडे को असाइनमेंट नहीं है। कल मेरी सर से बात हुई थी कि इस सैटरडे को असाइनमेंट नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे से होगा। ओके, और जो असाइनमेंट होगा बेटा आपका हिंदी का होगा, संस्कृत का नहीं होगा। पहले भी संस्कृत का आपका नहीं हुआ था, आपको पता है। तो अभी मेरी जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रही है, मैंने सर से बोल दिया है सही करने के लिए, है ना। अगर होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपकी क्लास होगी। ओके, आपके पास मैसेज आ जाएगा फिर। ओके मैम। ओके नैना, और कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। ओके बेटा, टाइम हो गया, अब मैं मीटिंग लीव करती हूँ। ओके, एंड करती हूँ।